कहीं भी नेशनल एंथम मुझे सुनाई दे तो मेरे आंखों से आंसू बहने लग जाता है। बता दीजिए बच्चों से मिलके पूरा हमारा स्वतंत्रता दिवस पूरे अच्छी तरीके से हमने इनके साथ मना लिया। बहुत अच्छा लगा इनके साथ। इस स्वतंत्रता दिवस 2023 में एक सुंदर और प्रभावशाली थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, हर घर तिरंगा अभियान। इसका मेन मकसद लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए एंकरेज करना है। नमस्ते, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ये मेरा छत है और ये देखिए देखिए हमारी राष्ट्र ध्वज कितने अच्छे से लहरा रहा है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था, लहरा रहा है और लहराता रहेगा, ऐसे ही लहराता रहेगा। और हमारा देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आज 77th इंडिपेंडेंस डे है। हमारे एरिया में भी हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे एक ग्राउंड है, वहाँ पे हम लोग अभी जाके ध्वजारोहण करेंगे। आपको भी मैं उसका दिखाऊंगी यहाँ पे हमारे सोसाइटी में किस तरीके से ध्वजारोहण सब होता है, सभी जुट होके किस तरीके से ये पर्व त्योहार ये मनाया जाता है आपको मैं दिखाती हूँ। मुझे नेशनल एंथम या कोई भी जैसे देशभक्ति की आता है तो मतलब जैसे घूस बम्स आते हैं बोलते हैं ना, वैसे घूस बम्स आते हैं मुझे। जैसे कहीं भी नेशनल एंथम मुझे सुनाई दे तो मेरे आंखों से आंसू बहने लग जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और जैसे कोई भी देशभक्ति गीत सुनने को मिलता है मेरे आंखों से आंसू बहने लग जाता है। जैसे मैंने आपको पिछला वीडियो दिया था तिरंगा यात्रा, वो हमारे घर के सामने से ही निकला था, तो वो देख के मैं और शुभम तो झूले में बैठे थे। मैं अपने हस्बैंड को बोली आप जाके लेकर आओ, वीडियो निकाल के लेकर आओ। मैं झूले में बैठे बैठे मैं पता नहीं मुझे रोना आ रहा था, मैं तो ऐसे आंसू निकल रहा था। कोई देखेगा तो मुझे तो शर्म भी आता है कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा ये रो क्यों रही है। पर मुझे ये सारी चीज़ें जो देशभक्ति गीत नेशनल एंथम ये सारी सुनो तो मेरे आंखों से आंसू अपने आप बहने लग जाते हैं। और जैसे थिएटर में भी जाती हूँ तो मुझे एक नेशनल एंथम वो तो अच्छा रहता है कि अंधेरा रहता है, मेरे आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है, सारे जैसे घूस बम्स है वो मतलब आने लग जाते हैं। तो ये हमेशा का है, कभी मैं सोचती हूँ कि शायद कल ये कम होगा पर नहीं, कम नहीं हो रहा है। जब भी ये मैं सुनती हूँ तो आता ही आता है। अभी चलते हैं, हमारी सोसाइटी में ध्वजारोहण होगा, सब एक साथ मिलेंगे, बहुत अच्छा पर्व है। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा हमेशा सदा ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा। जय हिंद। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। जय हिंद। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, नील हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय 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 हिंद। देवियों सजनों आप सभी का मम्मी पापा तो आ गए, बच्चे को ही जरूरी था इसलिए थोड़ा विलोप किया गया है। भारत माता की, 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 वंदे मातरम।
वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की वंदे 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 प्राण सौधन प्राण कुछ ना कुछ करेगी कुछ कर मिर्ची चाहिए क्या किसी को? एक है को ईमानदारी से उठाना आंटी। हाँ याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिकल में दे दी मेरी शान हो तुम लोग खड़े क्यों हो किस लिए? अच्छा ऐसे। हेलो हेलो नमस्ते। और बोलना है कुछ इंडिपेंडेंस डे के बारे में? हाँ बोलो क्या बोलना है? जय आप तो बहुत कम लिए, बहुत कम लिए। ये हमारे घर के पास एक आश्रम है, तो वहाँ उस आश्रम हम लोग स्वीट्स बांटने के लिए गए थे। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये देखिए हम लोग कार में लेकर आए थे, तो ये क्रेट लेकर आ रहे हैं बच्चे। बहुत अच्छा लग रहा था इन सब बच्चों से मिलके। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड, एकदम डिसिप्लिन में है बच्चे सारे। बड़ी ताजा खबर यहाँ पर देखी। ये बच्चों से मिलने के बाद हमारा स्वतंत्रता दिवस एकदम बहुत अच्छा रहा। इन बच्चों से मिलके पूरा हमारा स्वतंत्रता दिवस पूरे अच्छी तरीके से हमने इनके साथ मना लिया। बहुत अच्छा लगा इनके साथ। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। देखते रहिए दीपा स्टेल। बाय।